अध्यक्ष श्रीमान नागेंद्र पांडे जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, महामंत्री विजयानंद पाठक जी, अशोक सिंह जी, प्रफुल्ल कुमार सिंह जी, प्रभात कुमार सिंह जी, मुन्ना विश्वकर्मा जी, रघुवंश जायसवाल जी, सत्येंद्र पासवान जी, रामेश्वर राम जी, दिनेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सुयोग्य प्रत्याशी श्री विनोद कुमार सिंह जी और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इतनी भारी संख्या में उपस्थित भाइयों में आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब इस देश के अंदर मोदी जी ने दूसरी बार शपथ लेकर के देश की उन आकांक्षाओं को जो वर्षों वर्षों से लंबित थी उन सबको पूरा करते हुए जब अपने आप दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है तो दूसरे कार्यकाल में आप सबका प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशी कार्यकाल के दौरान जो वर्षों से हम सबकी तमन्ना थी उन तमन्नाओं को पूरा होने के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और उत्तर प्रदेश भगवान राम की भी जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि है और देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की भी भूमि है। आपने देखा होगा अभी 9 नवंबर को देश के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण से संबंधित जो मामला लंबित चला आ रहा था उसका समाधान कर दिया है। अब अयोध्या आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं क्योंकि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला था उसमें भी बच्चा बच्चा राम का ये कह करके झारखंड से भी निकला था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निकला एक एक बच्चा आज जवान हो चुका होगा और वह आज इस बात से प्रफुल्लित हुआ होगा कि जब कभी उसके जीवन में अवसर आएगा कभी उसे हिसाब देना होगा।
कि भाई भगवान राम के मंदिर के लिए क्या किया है, वो भी कह सकेगा कि एक ईंटा मेरा भी गया था एक शिला में। वही मर्यादा का पाठ भगवान राम ने हम सबको पढ़ाया।